ग्रेवी जो बना है ना भाई, देखिए बड़ा ही तगड़ा बना है। बोल दो मैं अपना। वाह। और भानु आज कंगारू बनाई है, दिखा दो ना कैसे कंगारू बनाया। दिखा दो ना, दिखा दो ना। नहीं ना, बहुत गंदा बना हमने। दिखा देगा ना कंगारू। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है और एक नई ब्लॉग में। मॉर्निंग के भी बज रहे हैं 8 और सुबह से ही बारिश हो रहा है, ये देखिए। अरे चलिए, कुछ तो अच्छा हुआ है, लास्ट में बारिश हो रहा है, यानी बरसात खत्म होने को है और अभी बारिश हो रहा है। तो आज तो जम के ही बारिश हो रहा है, ऐसे ही 8-9 घंटा बारिश हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जब भी नया वीडियोस आए आसानी से मिल जाए। ये देखिए मैम साहब अभी बैठी हुई है, नहीं पता क्या कर रही है। क्या कर रही है? आ पढ़ रही है। ये देखिए क्या क्या लिखी है, सुबह ABCD लिखी हुई। गुड मॉर्निंग बोलो। देखिए चलो, और ये देखिए सुबह हम लोग का बर्तन उर्तन धोना हो गया है। अच्छा, आधा बाकी है। अच्छा आधा बाकी है। कितना तेज बारिश हो रहा था, और अब देखिए तुरंत बारिश छूट गया और धूप भी देने लग गया। और मेरा छाता देखिए कहाँ चल गया उल्के। मेरा मामा घर से कल कटहल आया था भाई, जो कि बहुत बड़ा था, और उसका सारा सीड्स ना हम लोगों ने निकाल लिया है। ये देखिए, क्योंकि सीड्स का जो करी बनता है ना, बहुत ही बढ़िया बनता, मम्मी बोल रही है। ठीक है, आज तक तो हमने खाया नहीं है, कभी नहीं खाया है, बट आज हम लोग का घर में बनेगा पहली बार। क्योंकि मम्मी भी बहुत पहले बनाई थी शायद, तभी हम बोर्डिंग स्कूल में थे यानी हॉस्टल में थे। बट इसका जो करी बनता है ना, स्पेशल करी बनता है, चिकन उकन मटन उटन सब खेले इसका सामने, क्योंकि सीड्स का करी हम पहली बार खाएंगे। और इसको जला के भी खाया जाता है, वो भी दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है इस वीडियो में। तो देखिए इतना सारा सीड्स है भाई, देखिए देख रहे हैं, देखिए। तो आज तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, दोपहर का लंच में आज यही बनने वाला है। ये मेरा ब्रेकफास्ट भी आ गया, देखिए ब्रेकफास्ट में है रोटी और कुंदरू आलू का सब्जी। तो चलिए फटाफट खाते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह बढ़िया से हो गया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं दूध लाने के लिए जेटू का घर। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी। जेटू घर से दूध लेना हो गया है। ये देखिए गोबर है। अच्छा चलो चलो साइड चलो आ जाओ। घर में दूध दूध रख दिए हैं फ्रेंड्स, और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर घर। ये देखिए अभी हम लोग रेडी वेडी होकर बाहर आ गए हैं, और आरव दिखा रहा है, ये देखिए क्या दिखा रहा है। क्या है आरू, क्या है बोलो, क्रो। चलो ये देखिए उड़ गया भाई सब। तो चलिए अभी चलते हैं। डॉक्टर घर से निकल के सीधे अभी हम लोग पहुंच गए हैं पतंजलि स्टोर। देखिए बाहर अभी गाड़ी को खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि बहुत तेज बारिश स्टार्ट हुई है। देखिए स्टोर आ गया है पतंजलि, पतंजलि स्टोर आ गया है। यहाँ से मेरे को मेडिसिन भी लेना है, मेडिसिन भी लेना हो गया पतंजलि स्टोर से, और बारिश भी छूट गया है ये देखिए। तो चलिए अभी चलते हैं जल्दी से फिश मार्केट, क्योंकि हम लोग को लेना है मछली, छोटा छोटा मछली लेंगे आज। तो घर पहुंच गए हैं, और मार्केट में मछली लेना था तो मछली मिला नहीं छोटा वाला। तो ये देखिए भाई साहब पतंजलि स्टोर से बिस्कुट लिया है, क्रीम खा रहा, देखिए क्रीम खा रहा है और बिस्कुट फेंक दे रहा है। सारा कटहल का सीड्स को देखिए हम लोग वॉश कर लिए अच्छे से, और अब जाएगा कुकर में बॉइल्ड होने के लिए। देखिए आधा सीड्स हम लोग कुकर में डाल दिए हैं ये देखिए, और आधा सीड्स हम लोग थाली में रख लिए हैं, इसको हम लोग आगे में सिकाई करेंगे। और देखिए सीड्स अच्छे से बॉइल्ड उल्ड होके आ गया है, तो इसका सारा छिलका को भी हम लोग निकाल देंगे। देखिए छिलका है ना ऊपर ऊपर, इसको भी निकाल देंगे ये देखिए, फिर ऐसा कलर आ जाएगा आपका ब्राउन ब्राउन, देख रहे हैं। फिर इसको भी हल्का हल्का निकालेंगे ये देखिए। तो चलिए अभी सारा छिलका को निकालते हैं फटाफट।
और देखिए सीड्स को अभी हम लोग चूल्हा में भी पकने के लिए दे दिए थे 4-5 सीड्स, ये देखिए तो चूल्हा वाला भी पक गया है। और देखिए गाइस अभी हम लोग सीड्स को फ्राई कर रहे हैं, फ्राई करने के बाद ही करी बनेगा, मम्मी ही आज बनाने वाली है। कटहल सीड अच्छे से फ्राई हो चुका है गाइस, और ये देखिए टमाटर भी हम लोग पीस दिए हैं कच्चा टमाटर, क्योंकि घर में पावर नहीं है, ग्राइंडर नहीं चला सकते। और यहाँ पे मम्मी जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी फ्राई कर दी है, देखिए अच्छा से बुनाई बुनाई हो गया, हल्दी उल्दी दे दी है। और अब जा रहा है फ्रेंड्स धनिया जीरा, ये देखिए घर का पीसा हुआ एकदम प्योर ओरिजिनल, हम लोग पाउडर यूज़ नहीं करते हैं। जा रहा है देखिए पीसा हुआ टमाटर, बस हम लोग कोई तेज पत्ता वगैरह नहीं दिए हैं, और कोई दिन बनाएंगे तब जाके पीसा हुआ देंगे, मतलब तेज पत्ता वगैरह देकर बनाएंगे, नॉर्मली जो घर में हम लोग बनाते हैं वैसे ही सेम बनाएंगे आज भी। स्वाद अनुसार ये नमक टाटा सॉल्ट, ग्रेवी जो बना है ना भाई देखिए बड़ा ही तगड़ा बना है, और 5-6 मिनट भुनाएगा उसके बाद हम लोग पानी डाल देंगे इसमें। करी बन के रेडी हो गया था गाइस, तो मम्मी इसमें कटहल का बीज को डाल दी है देखिए, और पानी वानी भी डल चुका है, तो ये 5-7 मिनट में हो जाएगा रेडी, और दोपहर का लंच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और कैसा बना है आप लोग को बताएंगे टेस्ट, और हम भी पहली बार ही आज खाने वाले हैं। बन के रेडी हो गया गाइस ये देखिए, तो चलिए अभी किचन में रख देते हैं, और जल्दी से नहाते वाते फ्रेश होते फिर आप लोग से सीधे लंच में मिलते हैं। नहा होगा फ्रेश हो चुके एकदम बढ़िया सफाई, और अभी लंच करने बैठ गए हैं। और ये देखें सीड्स करी चावल और आम ला रही है भानु, तो चलिए खा के बताते हैं कैसा बना है भाई। देखिए ये है सीड्स, और देखिए आम वाम लेके आ गई है, देख रहे ये देखिए ये सीड्स, मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ गाइस। लंच करके सो गए थे और उठते साथ ही हम लोग आ गए हैं टेरेस, क्योंकि हम लोग को आ रहा था बड़ा मज़ा, क्योंकि आज चल रहा है हवा, हवा तो चल रहा है गाइस, बट आज गर्मी भी है। कटहल का सीड खाया है ना, कैसा लगा तुमको कटहल का सीड्स? हमको लग रहा है मेरा पेट खराब होगा। मेरा तो पेट खराब हो ही है एक ही बार खा के यार, मतलब ये मजा तो आया, मजा इधर भी पूरा मजा निकल गया। पेट पता नहीं क्यों अजीब टाइप का दर्द, ऐसा लग रहा है बहुत सारा बीजा खा लिया, बीजा ही खाए हैं, ऐसा नहीं है कि बीजा है, बट बहुत ज्यादा टेस्टी था। हाँ, टेस्टी बहुत ज्यादा, आप लोग बना के खा सकते हैं, लेकिन एक ही बार के लिए, दो बार मत खाइएगा। लेकिन आप लोग अगर ट्राई किए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। हम लोग तो फर्स्ट टाइम खाए हैं हम भी, बट बहुत ज्यादा टेस्टी था। अभी रात का 8 बज रहा है फ्रेंड्स, और आरव अभी पढ़ने बैठ चुका है, ये देखिए इसको बोल अपना होमवर्क कर रहा है, इसको बोल रहे कि बैठो फिर भी नहीं सुन रहा है। हाय कर दो ना सभी कोई को, हेलो फ्रेंड्स बोल दो, बोल दो मैं अपना, वाह। और भानु आज कंगारू बनाई है, दिखा दो ना कैसे कंगारू, दिखा दो ना बहुत गंदा बना हमने, दिखा ना कंगारू कैसे बनाई है आज, कंगारू बनाई है भानु, ये देखिए दिखा 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 कैसे कंगारू बनाया, दिखा 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 दिखा, ये तो बना हुआ कंगारू है जो तुम बनाई हो, दिखाओ 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 दिखाओ, ये देखिए दिखाओ दिखा दिखा अच्छा सा। बस ना, तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बोल दो आरू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।